अच्छा सर बताइएगा, मुल्क के अंदर बाहर जितने आपके फैन हैं, आज के साथ दुख में बराबर के शरीक हैं, सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, मीडिया पर भी, उनके लिए क्या मैसेज देते हैं? बस मैं यही अर्ज करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दुरूद पाक पढ़ के मेरे अहले खाना जो इस दुनिया में नहीं है उनकी रूह को बख्शें। आपकी ये दुआ जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। आपकी मोहब्बत जो है सोशल मीडिया पे मैंने देखी, मेरे बच्चे डर भी गए थे, आपका इतना प्यार था। आपका इतना प्यार देख, आपकी दुआओं का मुंतजर हूँ मैं, अल्लाह के बाद आपका आशिक हूँ, आपसे प्यार करता हूँ सबसे। जो अल्लाह की इमानत है वो अल्लाह के पास जानी है, हमने भी चले जाना है। बस मेरे लिए ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शरीक हयात के लिए, मेरे वालिद के लिए भी, मेरी माँ के लिए दुआ कीजिएगा, उनको तंदुरुस्ती दें, और मेरी शरीक हयात को अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। और अगर कोरोना की वजह से हुई है तो लोगों को बताइएगा कि किस कदर एहतियाती तदाबीर लोग इख्तियार करें। नहीं जी, कोरोना की वजह से तो नहीं, टाइफाइड बिगड़ा हुआ था जिसकी वजह से हुआ, बाकी कोरोना इस वक्त है, इसकी एहतियाती तदाबीर आप ज़रूर अपनाएं। और मैं भी आपके साथ हूं और दुआ गूँ, मैंने तो कलाम भी पढ़ा है कि जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कुछ दिन के लिए आए हैं दुनिया में, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम जिससे दिल को तस्कीन पहुँचे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सांसों का नहीं मालूम, एक दो तीन दिन की बात है, इकट्ठे बैठे हुए थे, रोज़ा रखा हुआ, आज हम नहीं हैं आपस में, यही दुनिया। और जितना हो सके आप अपनों से प्यार करें, अपनी फैमिली को केयर करें, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अल्लाह आप सब की जोड़ी सलामत। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।